स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ारा असर ब्लॉग। और मेरे साथ खड़ा मेरा छोटा सा शहजादा। अभी ये लोग आए हैं ट्यूशन से और हमने ये वाला रूम सेट कर लिया। ज़ारा ज़रा दिखाना, आज ज़ारा वीडियो बना रही है। तो ये वाला रूम हमने तकरीबन सेट कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं इंजा की तरफ। इंजा के घर जा रहे हैं और अफजल साहब नहीं है घर पे, तो हम थोड़ा सा चक्कर लगा कर आते हैं इंजा रोज लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी आते हैं थोड़ी देर, वहाँ पे जाके हो सकता है मे बी कि वीडियो बन जाए। बन गई तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं बनी तो घर आकर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं, मैं हूँ सायमा और आप देख रहे हैं ज़ारा असद व्लॉग। आज इस घर में है सेकंड ईयर और आज है माशाल्लाह माशाल्लाह से शबे मेराज का दिन है। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ये देखें चावल बना रही हूँ बाटे में। चावल मैंने भिगो दिए हैं और ये चने बॉयल करके फ्रीज़ कर लेती हूँ मैं, आपको पता ही है। तो वो चने निकाल लिए हैं और बस ये बाहर की जो आवाज़ है ना, प्लीज़ इनको इग्नोर कीजिएगा। और बस मैं यहाँ पर चावल बना रही हूँ। ज़ारा कर लिया असद के कपड़े प्रेस, असद नहा कर अभी कपड़े चेंज कर लेगा। ज़ारा रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से और मैं खुद भी रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो रात को इबादत की थी थोड़ी बहुत, जितनी हिम्मत हुई उतनी मैंने इबादत की थी ज़ारा ने। तो अभी बस हम ये चावल बनाएंगे और क्या कहते हैं, चावल बनाने के बाद ये आवाज़ें आपको अब डेली सुननी पड़ेंगी क्योंकि इस घर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, ठीक है, बाहर की। और क्या कहते हैं, हम ये चावल बनाएंगे फिर बच्चों को तकसीम करेंगे, बाहरी बच्चों को बांट देंगे, एक दो घरों में दे देंगे क्योंकि अभी यहाँ पर नहीं आई हूँ, इतना किसी को जानती नहीं हूँ। तो बस ये चावल बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज के पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। आज का मुबारक दिन की रूटीन शेयर करूँगी जी। तो जनाब वेलकम बैक। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी दोरी के अंदर, ये पत्थर की दोरी है जो मेरी सास ने मुझे दी है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे धनिया पुदीने टमाटर और हरी मिर्चों वाली चटनी। और यहाँ पर हो रहा है दूध बॉयल और चावल, ये देखें इसके भाप आ गई है जनाब जी। चावल डाल दी, अब रखती हल्के से दम पर, ये बन जाएंगे। असद मस्जिद में पढ़ने चला गया, ज़ारा अंदर नमाज़ पढ़ रही है। बस मैं ये कर कर खुद भी वजू करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद जी। तो जनाब वेलकम बैक। ज़ारा ने नमाज़ पढ़ ली थी, ज़ारा ने कुरान पाक पढ़ लिया, मैंने नमाज़ पढ़ ली, अभी मुझे सपारा पढ़ना है, मैं पढ़ूँगी कुरान पाक। तो मैंने कहा चलें आपको दम दिखा देती हूँ, दम खोलते हैं। जनाब जी ये फाइनली हमारे चावलों का दम खुल चुका है, चने की बिरयानी। और इसको करते हैं हम, ये देखें जनाब भाव भाव उड़ते हुए और ये चावलों का हो गया है दम माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह सही बन गए। थोड़े से मुझे डर लग रहा था, चावल ज़्यादा बनाते हुए ना मुझे ज़रा डर लगता है, मैं ज़्यादा इतना ख़ास आता नहीं मुझे बनाना, कुकिंग इतनी ख़ास नहीं आती यानी कि ज़्यादा चीज़ नहीं बना सकती। चलें अभी हो गया था, अभी बच्चों को आवाज़ लगाते हैं और ये बच्चों को बांटते हैं। लें जी जनाब, अब मैं भी अपने लिए चावल ले आई, थोड़ा सा फोकस नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हुआ मेरे कैमरे को, पानी रख लिया, खुद भी खा लिए, खाने में अब बैठी हूँ, खाना खाती हूँ और फिर कुरान पाक लेके बैठती हूँ, पढ़ती हूँ कुरान पाक। और बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को न्याज बांटती है और बहुत टेस्टी लग रहे हैं शक्ल से। तो मैंने एक बाइट लिया, बहुत मज़े के चावल बने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने, अल्लाह ताला कबूल करे। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करें, मेरा साथ दें, ग्रो करवाएँ मेरा चैनल। और मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद जी। तो जनाब अभी हम लोग जा रहे हैं, ये ना एक चाबी है, ये देखें, कल बच्चे ट्यूशन से आ रहे थे तो असद को ये चाबी पड़ी हुई मिली थी, तो इन्होंने अपने पापा को दिखाई कि पापा हमें मुझे ना ये चाबी मिली है, तो पता नहीं किसकी है। तो इतना दुख हो रहा था कि पता नहीं किस बेचारे की गाड़ी की चाबी है, तो उनके पापा ने कहा कि इसके ऊपर ना कहीं नंबर लिखा होता है गाड़ी का, तो उन्होंने कहा इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ, ये गाड़ी का नंबर याद कर लो, अगर ये गाड़ी कहीं नज़र आए तो ये उन लोगों की होगी। तो अभी असद ने नंबर नोट किया हुआ था, आज ट्यूशन से आते वक्त असद को क्या कहते हैं पता चल गया, वो गाड़ी को नंबर देखा, तो अभी मुझे बता रहा है कि मामा ये जिनकी गाड़ी है ना मैंने उनका घर देख लिया। तो अभी हम जा रहे हैं इन उन लोगों को चाबी देने और आज बच्चे ऐसे लग रहे हैं। असद इधर आओ ज़रा शबे मेराज पे, असद साहब का ये देखें कितना क्यूट मेरा बेटा लग रहा है। अभी मगरिब की नमाज़ बच्चों ने ट्यूशन से आके पढ़ लिया और ये मेरी बेटी ज़ारा, ये देख लें दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं इन लोगों की चाबी देने। ये लें जी वेलकम बैक, हो गया है हमारी तरफ से क्योंकि हम जो चाबी देने गए थे वो हम चाबी देकर आ चुके हैं उन लोगों की। और वो लोग यकीन करें कहते हैं हम लोग कल से अपनी चाबी ढूंढ रहे हैं, और वो इतना शुक्रिया अदा कर रहे थे, वो फ्रेंड ही निकली ज़ारा की तो उनकी उन लोगों की चाबी थी तो चाबी दिए हैं, तो वो बहुत कहते हैं हम लोग कल से अपनी चाबी ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने शुक्र अदा किया और हमारा बहुत ज़्यादा थैंक यू भी किया, चलें अच्छी बात है उनकी चीज़ उन तक पहुँच गई। फिर सामने मेरी फ्रेंड रहती थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था तकरीबन 1 वीक पहले, तो मैंने कहा आए हैं तो चलें इसका भी पता करते जाएं, उसका पता किया और अभी बस हम लोग आ गए हैं। ये ज़ारा है मैडम, ये देख लें ज़ारा भी आ गई है और ये
ये नवाब साहब देख लें जरा, आते ही बिस्तर में लेट गया और बिस्तर में लेट गया। बस अफजल साहब अभी तक नहीं आए तो अभी मैं बच्चों से पूछती हूँ। हाँ जी बच्चों खाना खाना है? नहीं खाना। जरा आप खाओगी? चलें बच्चे अभी मना करें खाना खाने के लिए, तो अफजल साहब आते हैं, देखते हैं, वेट करते हैं। अफजल साहब आ गए तो हम लोग खाना खाएंगे। बस ये हमारी आज की वीडियो थी, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा एक और अच्छी और प्यारी सी वीडियो में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। और जिसने चैनल नहीं ना सब्सक्राइब, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और मिलते हैं आपसे दोबारा एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह।